काहे में भाई स्टॉक में ससुरी के आ गए मई झाड़ के। अबे तुमको कब तक हम रोटियां सेक सेक के खवाए। अबे ससुरी कितनी बार तुमसे कह चुके टीम इंडिया कभी हल्के मत लेना, लेकिन तुम ससुरी पहला मैच जीतने के बाद तुम्हारे ऊपर सहिंसा ही चढ़ी हुई थी है। फिर देखा कितनी बुरी तरह पटके गए। अबे हम इसी उम्मीद में बैठे हैं कि इंग्लैंड आई है भाई, दमखम है इंग्लैंड को दूसरी टीमों को हराने का। हो सकता है भैया टीम इंडिया को एक सीरीज घर में हरा दे तो उस दिन हमको खुश होने का मौका मिलेगा। अरे भैया ये तो एक मैच के बाद दूसरे धड़ाम से मुंह के भर गिरे। काय में भाई निस्टॉक में सिर्फ ऐसे सीरीज जीतेगा तू। अच्छा भैया तो भंडारा यहाँ इसीलिए चल रहा है, टेम्बा दरोगा जी तुम इंग्लैंड के साथ ही लगे हो। अबे देख रहा है कोहली टेम्बा सिर्फ पूरा मूड बना के बैठा कि किस दिन इंडिया हारे उस दिन जाके हम मजे ले। अबे ससुरी के दिमाग से निकाल लो कि टीम इंडिया कभी सीरीज अपने घर में हारेगी। अबे दो मैचों में थोड़ी दिक्कत थी, अब तो हमारा ये किंग कोहली भी वापस आ जाएगा। अबे अब तुम्हारी औकात नहीं है, तुम हमारी टीम को एक मैच भी हरा दो। अरे बबरू अबे तेरे पास आज मौका ही मौका है, बजा कितना ढोल बजाएगा। रोहित भाई तुमको ढोल की पड़ी है, हम तो आज नंगा नाच करेंगे, पूरी रात नाचेंगे पूरे दिन नाचेंगे। अबे यार तुम लोग पहला मैच हारे थे हमको बहुत दुख हुआ था भाई साहब, तुम मानोगे नहीं तुमसे ज्यादा दुख हमको हुआ था, क्योंकि भैया हमारी पूरी तैयारी धरी धरी रह गई। हम पूरी प्लानिंग करके बैठे, शंकू को भी साथ लाए थे भैया इंडिया जीतेगी, हमारा नाच गाना होगा, लेकिन भैया वो मैच तुम लोग हार गए। अरे महाराज बबरू तुम भी ज्यादा तेल मालिश मत के पड़ा करो, ठीक है अब तुमको खुश होने का मौका मिला है, तुम नाचो कूदो और गाओ। और तुम्हारा दोस्त कहाँ गया है उस शंकू, वो नहीं दिख रहा है, उसको भी साथ में लेके आते। वो ससुरी अधिकतर इधर उधर घूमने में लगा रहता है। और बता भैया वही निस्टॉक कैसा भूल अटका के बैठे हो। बे ससुरी अब तो किंग कोहली वापस आ रहा है, अब तुमको तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। बे लौंडे लफाड़ों पहला मैच हराने के बाद बहुत फड़फड़ा रहे थे है? बे जाओ बे तुम लोग, लौंडे लफाड़ों तुमका बहाना रहता है, तुम्हारी टीम में एक से एक धुरंधर पड़ा है। अरे लौंडे लफाड़ों को एक तरफ करो, तुम्हारा अकेले जसप्रीत बुमराह ही सबके नाक में दम करता है। भैया इतनी घातक गेंदबाजी की है कि स्टंप बिस्टंप सब तोड़ डाले। काहे डरोगा जी, अबे ऐसे तो हमको लग रहा है कि आने वाले तीनों मैच हारेंगे। अबे कहीं 4-1 से न हार जाए सीरीज हम लोग। अरे हारोगे, अगर ऐसे खेलोगे तो ऐसे ही हारोगे। अबे इंडिया देख रहे हो कितना संभाल संभाल खेलती है, लेकिन तुम ससुरी तुम्हारे सबके ऊपर बेजबॉल खोपड़ी चढ़ी हुई है। अबे ध्यान से नहीं खेल सकते, ये टेस्ट मैच है, ये T20 नहीं है कि उठाया बल्ला आंधे मुंह होके घुमा दिया चला गया छक्का। यहाँ बुमराह जैसे खतरनाक खतरनाक गेंदबाज रहते, वो तो खुदा का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि शमी एकदम फिट नहीं है। अगर शमी और होता तो तुम्हारी शिक्षा लीडर हो जाती समझे, बहुत पहले तुम लोग ये मैच हार जाते। अब भैया हमें नहीं लगता है कि तुम लोग सीरीज जीतोगे, पता नहीं कब तक तुम लोगों की रोटियां सेक सेक के खबानी पड़ेंगी। बे भैया बबरू बे तू वो सब छोड़ बे नाच, हम तो कह रहे बे रोहित बहुत बढ़िया, बे बहुत बढ़िया यार तुमने दूसरा मैच बचा लिया। भाई बुमराह की तारीफ करनी होगी, अब हेडिंग लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कोहली वापस आ रहा है, तीसरा मैच हम लोग जीत गए।